पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसानों को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी लेकर आते हैं, साथ ही बताते हैं खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। चने में फली छेदक कीट के प्रबंधन के लिए किसान क्या उपाय अपना सकते हैं, इसके बारे में DPPQS फरीदाबाद के उपनिदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे ने कुछ बेहद ही अहम जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो का। बहुभक्षी कीट हेलिकोवर्पा आदमी जीरा को चना फली छेदक के रूप में जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप चने के अतिरिक्त अरहर और मटर अन्य फसलों में भी होता है और अवस्था के अनुसार इसका प्रकोप पाया जाता है। जैसे जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें ये 20-30% तक फसल को नुकसान करता है और बाद की जो अवस्था होती है वो 80-90% तक फसल को नुकसान करती है। इसका नवजात लार्वा तना और पत्ती के कोमल भागों को खाता है और वयस्क लार्वा फल और या फली को खाता है। इसका प्यूपा जमीन में रह के वयस्क का निर्माण करता है। इसके नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम आप खेत की गहरी जुताई कीजिए जिससे कि इसके प्यूपा एक्सपोज हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ICR द्वारा रिकमेंडेड जल्दी पकने वाली प्रजातियों का प्रयोग कीजिए एवं आप इस कीट के निरीक्षण के लिए अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करिए, जैसे 5 फेरोमोन ट्रैप पर हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग करिए एवं जो आपकी फसल है उसके चारों ओर ट्रैप फसल लगाइए। ट्रैप फसल को लगाने का क्या फ़ायदा है कि जो कीट है वो उसकी ओर को आकर्षित होगा लेकिन वो उसमें एगलिंग नहीं हो पाएगी, एगलिंग करेगा तो उसमें वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो ट्रैप फसल आप लगाइए, जैसे इसके लिए चने के लिए जो ट्रैप फसल होती है वो गेंदा आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नेचुरल एनिमी को आकर्षित करने वाली फसलें जो कि नक्टर प्रोड्यूसिंग फसल होती हैं, जैसे सूरजमुखी है, अजवाइन है, इन फसलों को आप लगा दीजिए, अल्फाल्फा है, तो उससे इसके नेचुरल एनिमी का संरक्षण भी होगा और किसानों को हेलिकोवर्पा आदमी जीरा के नेचुरल एनिमी जैसे ड्रैगन फ्लाई है और प्रेइंग मैंटिस है इनके संरक्षण पर जोर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके कंट्रोल के लिए आप नीम पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेसिलस थुरीजेंसिस का 1 ml/L के हिसाब से आप प्रयोग करिए एंड इसके अलावा एक NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है जो कि इस कीट में बीमारी फैलाने वाली एक आप कह सकते हैं कि ये दवाई है, तो इसको 250 लार्वल इक्विलेंट पर हेक्टेयर के हिसाब से भी आप प्रयोग करेंगे तो इस कीट को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज या फिर जिसे हम कह सकते हैं श्री अन्न, इनका बेहद ही महत्व है हमारे जीवन में और हमारे पोषण के लिहाज से तो इनकी अपनी ही काफ़ी उपयोगिता है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये पूरा साल मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। इस दिशा में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं आइए जानते हैं। हमारे कहने से, हमारे प्रधानमंत्री का कहने से संयुक्त राष्ट्र ने
2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मुझे लग रहा है ये हमारा पहला विक्ट्री है। अभी हमको इसको पूरा विश्व को पहुंचाना है, क्योंकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में हम मोटे अनाज उगाते हैं। मोटे अनाज के लिए तो बारिश का पानी ठीक है, क्योंकि इरिगेशन नहीं चाहिए। इसीलिए मोटे अनाज किसानों के लिए अच्छा है, हमारा तबीयत के लिए अच्छा है, एंड खाने वाले को अच्छा है, उगाने वाले को भी अच्छा है। इसीलिए हम सोचे हैं हमारे क्या क्या अच्छा है उसको पूरा विश्व को हम परिचय करवाना, पहुंचाना। योगा अच्छा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को पहुँचा दिया। आयुर्वेदिक अच्छा है, इसको हम पूरा विश्व को परिचय करवाया। अभी मोटे अनाज मिलेट अच्छा है, ये इसी में पोषकांश है, इसी में बहुत मिनरल्स है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इसके लिए हम पूरे विश्व के इसको पहुंचाना, कैसे पहुंचाना ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अभी क्या उगाते हैं उसको अच्छे से हम विश्व में रखना, एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यू मन में रख के इसको उगाना, एंड अच्छा मार्केटिंग करना, इसके लिए अच्छा पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, एंड बाद में विश्व को पहुंचाना। इसके लिए हम पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, हमारे एम्बेसी से में काम कर रहे हैं। कैसे हम यूरोपियन सिस्टम में बना सकते हैं, कैसे हम इंडियन सिस्टम में बना सकते हैं, कैसे अमेरिका में बना सकते हैं, वो कैसे खाते हैं, वैसे बनाने के लिए हम सिखाएंगे, एंड हमारे मोटे अनाज को, हमारे मिलेट को हम विश्व में लेके जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के बहुत से प्रगतिशील किसान ऐसे हैं जिन्होंने रासायनिक खेती से तौबा कर लिया है और अब वो रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती को अपनाकर कृषि क्षेत्र में अपना अहम योगदान तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। कुछ ऐसा ही किया है हरियाणा के रहने वाले अमरीक सिंह ने। उन्होंने किस तरह से जैविक खेती के जरिए सफलता अर्जित की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहां के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहां की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक है अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई एमए तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता ना मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। केवीके के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक केवीके के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया, इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। केवीके से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो
जाना आपने जैविक खेती के कितने फायदे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी जैविक खेती को जरूर अपनाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को खेती किसानी के दौरान कई बार पूंजी की आवश्यकता हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए पहले का जमाना ऐसा था कि किसानों को साहूकारों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसानों के पास है किसान क्रेडिट कार्ड, जो उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखता है। किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह से किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं,
ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।